नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। श्रावस्ती जनपद के लक्ष्मण नगर में किया गया पैदल गश्त। क्षेत्राधिकारी भिनगा व क्षेत्राधिकारी इकोना सहित पुलिस बल के साथ किया गया पैदल गश्त। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए किया पैदल गश्त। व्यापारियों व आमजन लोगों से वार्तालाप कर दिलाया सुरक्षा का एहसास। व्यापार में लगातार घरेलू गैस का दुरुपयोग हो रहा है, जिससे गैस की कालाबाजारी बढ़ने लगी है। घरेलू गैस का उपयोग चाय नाश्ते की होटल, चाउमीन के ठेले, खाने की होटल में अभी तक होता आ रहा था, लेकिन अब चार पहिया वाहन भी गैस से चलने लगे हैं। शहर में ऐसे कई दुकान संचालित हो रही हैं जो नियम के विरुद्ध होकर घरेलू गैस को वाहनों में डाल रहे हैं। यह दुकान अधिकांश बाजार में संचालित होती हैं, लेकिन संबंधित विभाग देखकर भी अनजान बना रहता है। कभी भी ऐसी दुकानों पर कार्रवाई करने की पहल प्रशासन ने आज तक नहीं की। एलएन चौबे की रिपोर्ट। सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाले पेट्रोल पंप मेसर्स कपूर चंद एंड संस सीसीटीवी लगाने और हेलमेट धारकों को ही पेट्रोल देने के शासन के आदेश के उपरांत भी दिन दहाड़े धड़ल्ले से पेट्रोल बिना हेलमेट पहने ग्राहकों को भी दिया जा रहा है, जिससे आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि पंप मालिक शासन आदेश के पालन हेतु कितने गंभीर हैं। सोनभद्र से अजीत सिंह की रिपोर्ट। बुरहानपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई में विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह सेरा भी शिकायत लेकर पहुंचे। जनसुनवाई में उन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग में हुए भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की शिकायत की। इससे मालूम होता है कि दो माह पूर्व हुए भ्रष्टाचार में लिपिक के पद पर बिना पद की नियुक्ति दी गई थी। यही नहीं, लिपिक की पत्नी के खाते में करीब 8 लाख डाल दिए गए थे। कुल 11 लाख रुपये का मामला था, जिसके चलते विभाग के नारायण पाटिल को निलंबित किया गया। आदि जाति कल्याण में बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार है। इसके पहले भी उसमें आपने देखा होगा, आप लोग के माध्यम से दो लोगों को उसमें सस्पेंड किया है, लेकिन उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उसमें एफआईआर दर्ज करनी है और उसकी डीप इंक्वायरी करनी है। करोड़ों रुपए का मैटर है वो, और मैं कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि इसमें एक स्पेशल कमेटी टीम बना के इसकी पूरी जाँच की जाए। कलेक्टर साहब एग्री है और बहुत जल्दी उसकी टीम बना के जाँच करेंगे। नियुक्तियाँ हैं, फर्जी नियुक्तियाँ हैं, फंड्स का मिसमैनेजमेंट है, इसलिए ही वही कारण है। इसलिए मैं कलेक्टर साहब को बोला कि आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, और कोई इंटरेस्ट लेगा नहीं इसमें, और इसमें एक्शन हो नहीं रहा है। पिछले 4 महीने से मैं चाह रहा हूँ कि उसमें एक्शन हो, और उसमें बहुत सारी रिकवरीज है। उसमें जब तक यानी सस्पेंड करके FIR दर्ज कर उसकी रिकवरी करना पड़ेगी, सिर्फ सस्पेंड करना उसका जवाब सॉल्यूशन नहीं है। अभी बार बार एक प्रश्न मेरे से RTI में पूछा जा रहा था, तो बड़ा स्पेसिफिक तरीके से जब पूछा गया तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं कोई ना कोई बात है। तो मैंने स्वतः स्फूर्त संज्ञान में लिया पूरे केस को और उसको बैठ के स्वयं ने देखा, तो मैंने ये पाया कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति हुई है उससे जितना उसने वर्क स्पैन से काम किया उससे ज़्यादा एक तो उसकी तनख्वाह निकली, तो वहाँ से बात शुरू हुआ। और फिर एक दूसरा नाम एक लेडी का था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो उसने कभी संभवतः अभी मैं और कन्फर्म नहीं हुआ है, अभी कंफर्म होना शेष है कि उस लेडी ने शायद जिले में काम किया ही नहीं, पर उसकी कलेक्टर दर से उसकी सैलरी इस जिले में निकलती रही 2014 जून 2014। राशि कुल दोनों लोगों का मिला करके 10,48,000 समथिंग है, वो राशि चालान के माध्यम से जमा करा ली गई है। अभी मैंने जो अकाउंटेंट बेसिकली रहा है यहाँ पे मिस्टर नारायण पाटिल, उसको नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद ये पैसा जिसके खाते में गया था उनके थ्रू चालान से यहाँ आके ऑफिस में जमा हुआ है। चालान मीन्स शासन के जो धन की जो क्षति हुई थी उसकी पूर्ति कराई गई सबसे पहले, उसके बाद इसको सस्पेंड किया है कलेक्टर साहब ने। हाँ, अभी विधायक बुरहानपुर द्वारा मुझे शिकायत दी गई है आदिम जाति कल्याण विभाग की। मैं उसको दिखवाता हूँ उसमें क्या त्रुटियां हैं या क्या उसमें कमी है। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहे इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।